सो गाइज, अगर आप एक स्मार्ट वॉच बाय करने जा रहे हो और आपका बजट मात्र 500 रुपीज़ है, तो शायद ये वाली वीडियो आप ही के लिए हो सकती है। क्योंकि भाई आज की वीडियो में हम इसी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जिसके की प्राइस सेगमेंट आपको मात्र 499 देखने के लिए मिल जाता है। बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, कैसी बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है, कैसी स्ट्रिप्स की क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है, क्या इसके हार्ट रेट वगैरह सही से काम करते भी है या नहीं करते है, ये सब चीज़ें आपको आज की वीडियो में जानने के लिए मिल जाएंगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप एंड तक बने रहना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम आर्यन शर्मा और आप देख रहे हो टेक बूमर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं बॉक्स के बारे में, तो बॉक्स की फ्रंट साइड पर आपको वॉच T500 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे हमने बॉक्स को ओपन किया है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा मटेरियल तितर बितर देखने के लिए मिल जाता है। तो क्योंकि भाई 500 रुपये में आपको ऐसी पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर देना। स्ट्रिप्स हमने यहाँ पर निकाल कर रख दी है। अब जरा बात कर लेते थोड़ा मेन डायलर के बारे में। तो डायलर पर आपको जो ये वॉलपेपर चिपका कर दिया गया है यहाँ पर, इस पर काफ़ी सारे फीचर्स इसके मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे हटा देते हैं और जरा बात करते हैं इस डायलर के थोड़े फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो इधर की साइड आपको यहाँ पर एक क्राउन मिल जाता है, जिसे कि आप रोटेट कर इसके कुछ एप्लीकेशंस को स्विच कर पाओगे। ओवरऑल अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो आपको प्लास्टिक की देखने के लिए मिल जाती है। पीछे की साइड आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपकी हार्ट रेट वगैरह मेजर करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल हम इसे साइड में रख देते हैं, और बॉक्स में आपको देखने के लिए मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड और एक चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो फटाफट से आपको स्ट्रिप्स की क्वालिटी के बारे में बात बताऊं, तो भाई स्ट्रिप्स की क्वालिटी आपको डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। और एक खास बात गई, जैसे हमने इसे ऑन किया है, ये कुछ ही सेकंड्स बाद स्विच ऑफ हो गई, तो हमें इसे फटाफट से चार्जिंग पर लगाना पड़ा। और उसके बाद जरा बात करते हैं इसके थोड़े फीचर्स के बारे में। तो वहाँ पर हम इसे ऑन कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कस्टमाइज वॉच फेसेस के बारे में, तो आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन्हें कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। तो अगर हम बात करते हैं ना कुछ और फीचर्स के बारे में कि भाई डिस्प्ले कैसी है, तो डिस्प्ले आपको क्वाइट ब्राइटर देखने के लिए मिल जाती है, मतलब ठीक ठाक है। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको वो डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। अगर यहाँ पर आप धूप वगैरह में जाओगे, तो आपको शायद देखने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्टेप्स काउंटिंग वगैरह कैसे है, तो भाई बिल्कुल बेकार देखने के लिए मिल जाती है आपको, ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं बताती है। साथ ही में गाइस आपको अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज़ के बारे में, तो वो भी आपको मीडियम साइज़ की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिप्स को अटैच करने के बाद, तो भाई स्ट्रिप्स को अटैच करने के बाद ये आपको काफ़ी अच्छी लुक्स प्रोवाइड करवा देती है। अगर आप इसे हाथ में पहन कर चलोगे, तो शायद ये आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्ट वॉच 500 के अंदर ठीक है, आप इसे बाय कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। और एक प्यारी सी कमेंट इस स्मार्ट वॉच के बारे में जरूर टाइप कर देना कि आपको ये कैसी लगी, आपको उसका कौन सा फीचर अच्छा लगा, और क्या आप इसे बाय करना पसंद करोगे या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।